सिर्फ 3 गेंदों में राजस्थान रॉयल्स को हराया डेविड मिलर ने, गुजरात टाइटंस को फाइनल में पहुंचाया। जी हां, राजस्थान और गुजरात टाइटंस के बीच में आईपीएल 15 का क्वालिफाई पहला मुकाबला खेला गया, जिसमें गुजरात टाइटंस को लग रहा था कि यह मुकाबला हार जाएगी और क्वालिफाई सेकंड खेलना पड़ेगा, लेकिन डेविड मिलर ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की और अपने बल्लेबाजी में धैर्य दिखाया, अग्रेसिव बैटिंग की और बाद में दिखाई भी, वो काबिले तारीफ है। आज हर जगह डेविड मिलर की तारीफ हो रही है। अगर हम बात करें तो डेविड मिलर ने पहले बहुत धीमी शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद डेविड मिलर का किलर मिलर रूप देखने को मिला और सिर्फ 3 गेंदों में पूरा मैच पलट दिया। जहां पे डेविड मिलर बल्लेबाजी कर रहे थे और गुजरात टाइटंस को आखिरी ओवर में 16 रनों की ज़रूरत थी, प्रसिद्ध कृष्णा बॉलिंग कर रहे थे, पहली बॉल में छक्का लगा, दूसरी बॉल में भी छक्का लगा और तीसरी बॉल में भी छक्का लगा और डेविड मिलर लगातार 3 छक्के लगाकर गुजरात टाइटंस को पहली बार आईपीएल 15 सीजन में खेल रही हार्दिक पांड्या की टीम को फाइनल में पहुंचा दिया। और आपको तो पता है कि पॉइंट्स टेबल में हमेशा गुजरात टाइटंस टॉप पे रही है और सबसे पहली टीम बनी जो आईपीएल 15 में फाइनल में पहुंची है। इस पूरी जीत का श्रेय है वो जाएगा डेविड मिलर को, क्योंकि डेविड मिलर ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की वो वाकई काबिले तारीफ थी और वो 3 गेंदों में 3 छक्के लगाकर पूरे मैच को ही बदल दिया। चलिए आपको बताते हैं कि इस मैच में आखिरकार क्या हुआ। टॉस से लेकर आखिरी ओवर की 3 गेंदों तक सबसे पहले राजस्थान रॉयल्स ने बल्लेबाजी की और 6 विकेट के नुकसान पर 188 रन बनाए। जॉस बटलर 89 रन बनाकर रन आउट हो गए। इसके अलावा कप्तान संजू सैमसंग ने 26 गेंदों में तूफानी अंदाज में 47 रन बनाए। देवदत्त पटिकल की बात करें तो उन्होंने 28 रन बनाए, तो कुल मिलाकर 20 ओवर में 188 रन बनाए। उसके बाद जब गुजरात टाइटंस की टीम को टारगेट मिला तो राजस्थान ने एक नींव सेट कर दी थी कि आसानी से फाइनल में पहुंच सकती है, क्योंकि 188 रन एक अहम मुकाबले में काफ़ी बड़ा स्कोर होता है। लेकिन गुजरात टाइटंस ने पूरी रणनीति पर राजस्थान रॉयल के पानी फेर दिया। हालांकि रिद्धिमान साहा 0 पर आउट हो गए, लेकिन सुमन गिल ने 21 गेंदों में 35 रन की पारी खेली। मैथ्यू बेड ने 30 गेंदों में 35 रन बनाए। वहीं कप्तान हार्दिक पांड्या ने धीमी पारी खेली, लेकिन बाद में तेजी में आए, 27 गेंदों में 40 रन बनाए। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण पारी जो थी वो डेविड मिलर के बल्ले से आई। डेविड मिलर ने महज 38 गेंदों में 68 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 3 चौके और 5 छक्के लगाए, जो लास्ट के ओवर में 3 छक्के लगाए 3 गेंदों में लगातार। आखिरी ओवर में 16 रन की ज़रूरत थी और मिलर 3 गेंदों में लगातार प्रसिद्ध कृष्णा की बॉल पर 3 छक्के लगाकर मैच को ख़त्म कर दिया और गुजरात टाइटंस को शान के साथ फाइनल में पहुंचा दिया। गुजरात टाइटंस पहली बार आईपीएल खेल रही है और यह एक नई टीम थी और इस टीम का कप्तान भी नया था, जिसने कभी भी कप्तानी नहीं की थी, उसका आईपीएल पहला ही कप्तानी थी, जो कि बहुत ही शानदार रही। जी हाँ दोस्तों, आपको तो पता है कि गुजरात टाइटंस के पास कई सारे मैच विनर प्लेयर्स हैं, जैसे कि राहुल देवटिया कभी, तो हार्दिक पांड्या और राशिद खान भी। और अगर आप चाहते हैं कि गुजरात टाइटंस इस किताब को जीते तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।